नाना जी जानना चाहूँगा जो जयपुर में जो जयपुर में जो संजय लीला बंसाली के साथ जो हुआ असॉल्ट हुआ है उनके ऊपर हाथापाई हुई है उनके साथ जो, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी देखो जो हादसा हुआ है वो तो मतलब सही नहीं हुआ, ऐसे हर कोई करते रहेगा तो हम कभी फिल्म ज़िंदगी में बना ही नहीं पाएंगे, तो वो जो हुआ है वो सही नहीं है और क्या कहें यार, हर कोई ऐसे उनका कहना है कि जो स्क्रिप्ट में जो स्क्रिप्ट है जो असल में हुआ नहीं है, हाँ इतिहास के साथ छेड़खानी की गई है, तो वो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड जो है वो सेंसर बोर्ड तय करेगी, देखेंगे। अब संजय का कहना है कि उसने वैसा कुछ शूट किया ही नहीं है, अब उसको उस पर मैं ये टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो सही है गलत है, लेकिन जिस तरह से वो हाथापाई हुई है, जिस तरह से वो हैंडल किया गया है, वो पूरा ये वो सही नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि किसी पे हाथ उठाना बगैर देखे आपको मालूम नहीं, आपका एक एक वहम है आपके जहन में कि ऐसा किया है, हालांकि वो वैसे हुआ है नहीं हुआ है किसी को मालूम नहीं है, तो फिल्म जब रिलीज़ होगी तभी पता चलता है आपको कि वैसे किया है कि नहीं, तो लेकिन मुझे नहीं लगता वो जो हुआ है वो सही है। आप मानते हैं कि हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री इजी टारगेट रही है किसी भी संगठन के लिए, नहीं पब्लिसिटी की बात नहीं है, लेकिन है भाई अभी पहले एक ही सेंसर था, अब काफ़ी सेंसर है, क्या करें हम, मतलब मुंबई में जो हमारा सेंसर बोर्ड है उसका मतलब क्या हो गया अगर हर जगह सेंसर इस तरह से बोर्ड है? अब क्या भाई ये हर एक की भावनाएं उनको धक्का पहुंचता है, ऐसी कोई बातें होती है, अब मैं एक मेकर होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है ये मैं मानता हूं, लेकिन जब तक वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है कोई ऐसे आक्षेप लेने जैसा कुछ हुआ नहीं है तब तक आप अगर ऐसे करोगे तो वो सही नहीं है।